हरियाणा में कांग्रेस को मिली बम्पर बढ़त, पहले रुझानों में बीजेपी की हार तय। दरअसल आपको बता दें, हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला आज कुछ घंटों में होने वाला है। वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। जल्द ही सीटों से शुरुआती रुझान आने लगेंगे। एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस को प्रदेश में 10 साल बाद सरकार बनाने का भरोसा है। वहीं वोटों की गिनती से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने फिर से सरकार बनाने का दावा किया है। वहीं आपको बता दें, हरियाणा में जैसे जैसे चुनाव की गिनती आगे बढ़ रही है, रुझानों के अनुसार कांग्रेस की आधी दिख रही है। प्रदेश की 90 सीटों में कांग्रेस 65 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं बीजेपी मात्र 19 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इनेलो गठबंधन 2 सीट पर आगे चल रहा है। इसके अलावा 4 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। वहीं हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है, यहां लाडवा के शुरुआती रुझानों में बीजेपी नेता और सीएम नायब सिंह सैनी पीछे चल रहे हैं। सीएम का पीछे होना बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। हालांकि यह अभी शुरुआती रुझान है।